इमरान जराट के क्लब के नीचे बने हुए खुफिया तहखानों में से एक में मौजूद था। उसके साथ ही ऊपर क्लब में मौजूद थे सिर्फ जोलिया उसके साथ बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुला और सफदर कैप्टन शकील और तनवीर अंदर दाखिल हुए। इमरान साहब जराट का कहना है कि चंद आदमी उस क्लब की निगरानी कर रहे हैं और उनका ताल्लुक हार्टन के रेड ग्रुप से है, इसलिए उसने कहा है कि आप अपने साथियों को यहां से निकालकर मुल्हका कोठी में ले जाएं। उस तहखाने से मुल्हका कोठी में जाने के लिए खुफिया रास्ता मौजूद है, उसने मुझे रास्ता बता दिया है, सफदर ने अंदर आते ही कहना शुरू किया। ओह कहाँ है वो रास्ता, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो वो सब उठ खड़े हुए। सफदर ने आगे बढ़कर सामने वाली दीवार की जड़ में पैर मारा तो सरर की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा था और वो सब उस कमरे में पहुंच गए तो सफदर ने एक बार फिर वही कार्रवाई दोहराई और दीवार बराबर हो गई। ये खासी बड़ी कोठी थी लेकिन खाली थी, उसमें कोई आदमी मौजूद न था। तुम्हारी कार कहाँ है, इमरान ने पूछा। वो तो क्लब की पार्किंग में खड़ी है, सफदर ने जवाब दिया। उसी लम्हे अचानक वही दीवार फटी जिससे वो सब उस कमरे में आए थे और एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बॉस जराट ने कहा है कि आप सब यहां से भी निकल जाएं, सिक्योरिटी फोर्स ने क्लब को घेर दिया है और हो सकता है कि वो इस सारे इलाके की तलाशी लें। उन्होंने ये चाबी दी है, उसके साथ टोकन मौजूद है, लार्सन कॉलोनी की एक कोठी की ये चाबी है और उन्होंने कहा कि इस कोठी के गैराज में एक कार मौजूद है, उसमें चाबी भी मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नौजवान ने हाथ में पकड़ा हुआ टोकन जिसके साथ चाबी मुंसलिक थी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर तेजी से वापस उस फटी हुई दीवार में गायब हो गया। उसके साथ ही सरर की आवाज के साथ दीवार बराबर हो गई। निकल चलो यहां से, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर थोड़ी देर में वो सब कार में सवार तेजी से उस कोठी से निकले। ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि साइड सीट पर जोलिया बैठी हुई थी। तनवीर कोठी के अंदर ही रुक गया था ताकि गेट को अंदर से बंद करके गेट पर चढ़कर बाहर आए, क्योंकि इमरान नहीं चाहता था कि कोठी का फाटक खुला रहे। इमरान ने कार कोठी से निकालकर सड़क के किनारे रोक दी। चंद लम्हों बाद तनवीर कार पर सवार हुआ और इमरान ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन निसफ घंटे तक कार मुख्तलिफ मसरूफ सड़कों पर दौड़ने के बाद एक ऐसी सड़क पर पहुंच गई जिस पर ट्रैफिक का दबाव खासा कम था। क्या लार्सन कॉलोनी मजाफात में है, साइड सीट पर बैठी जोलिया ने पूछा। वहां हमारा जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, हो सकता है कि जैरेट उन्हें बताने पर मजबूर हो जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मजाफाती सड़क पर तकरीबन मजीद 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद इमरान ने कार को साइड रोड पर मोड़ा और फिर आगे बढ़ाता चला गया। थोड़ी देर बाद कार एक खूबसूरत मजाफाती तर्ज के मकान के गेट के सामने जाकर रुक गई, गेट बंद था। इमरान कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और तेजी से गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट पर प्लेट मौजूद थी जिस पर हार्वे का नाम लिखा हुआ था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया तो थोड़ी देर बाद छोटा सा फाटक खुला और एक एकेडमी नौजवान बाहर आ गया और वो BMW कार और इमरान को देखकर चौंक पड़ा। आरवे से कहो कि प्रिंस ऑफ डंप आया है, इमरान ने उस नौजवान से कहा। सॉरी बॉस, यहां किसी से नहीं मिलते, नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम मेरा नाम उसे बता दो, फिर देखना वो मिलने के लिए तुमसे पहले बाहर आ जाएगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे ये फाटक तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा और जाहिर है कि हार्वे अपना नुकसान तुमसे पूरा करेगा और जिस कदर कीमती और खूबसूरत फाटक है उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम्हें एक साल तक बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। इमरान की जबान रवां हो गई तो नौजवान चंद लम्हे हैरत से इमरान को देखता रहा, फिर कांधे चटक कर मुड़ा और अंदर से फाटक बंद कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद छोटा फाटक दोबारा खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का आदमी जिसका सर बालों से कतई तौर पर बेनियाज था तेजी से बाहर आया। उसके पीछे वही मुलाजिम था, अलबत्त उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात नुमाया थे। कहाँ है प्रिंस, कहाँ है, उस लंबे कद के दुबले पतले आदमी ने बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि प्रिंस वाकई तुम्हारे दरवाजे पर आकर अपने नाम की आवाजें लगाएगा, इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में कहा तो वो आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। तुम प्रिंस, ओह ओह तुम हो, ओह ओह, इस दुबले पतले आदमी ने जो हार्वे था हैरत और मुसरत के मिले जुले लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वो इस तरह इमरान पर झपट पड़ा जैसे बाज कबूतर पर झपटता है और उसने इमरान को अपने दोनों बाजुओं में पेंच दिया।
अरे अरे, यहाँ फर्स्ट एड का सामान तक ना होगा, तुम्हारी ये नाजुक सी पसलियाँ ना टूट जाएं, इमरान ने कहा। और हार्वे ने एक बुलंद कहका लगाते हुए इमरान को छोड़ा और फिर तेजी से अपने मुलाजिम की तरफ मुड़ा। मार्टन, जल्दी फाटक खोलो, जल्दी करो, हार्वे ने चीख कर अपने मुलाजिम से कहा। और मुलाजिम जो फाटक पर खड़ा हैरत से यह सब कुछ होता देख रहा था, बिजली की सी तेजी से दौड़ पड़ा। ये तुम्हारे साथी हैं? ओह प्रिंस, आज तुमने मुझे वो इज्जत बख्शी दी है जो मेरी बहुत बड़ी हसरत थी, हार्वे ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। यहां नहीं, अंदर चलकर कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर तारुफ होगा, इमरान ने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा, तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। कार अंदर ले आओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। तो जोलिया साइड सीट से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फाटक खुल चुका था, इसलिए जोलिया खुले फाटक में से कार अंदर ले गई। न जाने तुम जैसे प्रिंसेस को इस कदर खूबसूरत बीवियां कहां से मिल जाती हैं, हार्वे ने जोलिया के कार अंदर ले जाने पर इमरान से मुखातिब होकर कहा। बीवियां? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, खुदा करे तुम्हारी ये बात पूरी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो बीवी नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। तुम बीवियां कह रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ओह, तो ये कौन है जो कार चला रही है, हार्वे ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। कार की ड्राइवर, इमरान ने सादा से लहजे में जवाब दिया तो हार्वे बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह सॉरी प्रिंस, मैं समझा था तुम्हारी बीवी है, हार्वे ने कहा। और फिर इमरान समेत वो अंदर दाखिल हुआ। पोर्च में जाकर जोलिया ने कार रोक दी थी और फिर वो सब कार से नीचे उतर आए। ये हार्वे है, वेलिंगटन का शैतान, इमरान ने हार्वे का अपने साथियों से तारुफ कराते हुए कहा। और तुम्हारा दोस्त, हार्वे ने हंसते हुए कहा, तो इमरान भी उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। ये मिस मेरी हैं, ये जैक्सन, और इमरान ने जोलिया और दूसरे साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। बस बस काफी है, क्यों खामखा सोच सोच कर नाम ले रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये तुम्हारे साथी हैं, हार्वे ने उसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे मजीद मगद मारी से बचा लिया। वैसे एक बात है कि एक्रेमियन नाम ही ऐसे ऊट पटांग होते हैं कि उनमें सीधे साधे नाम तलाश करना ही मुश्किल हो जाता है, इमरान ने कहा। और हार्वे एक बार फिर हंस पड़ा। आओ अंदर चलते हैं, इमरान ने कहा। और हार्वे मुड़कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इमरान के साथी उसके पीछे थे। फिर वो एक खासे बड़े कमरे में पहुंच गए जिसे इंतहाई शानदार और कीमती फर्नीचर से सजाया गया था, और सजावट के लिहाज से ये सिटिंग रूम था। आप सब तशरीफ रखें, मैं आप लोगों के लिए मशरूबात का बंदोबस्त कर लूं, हार्वे ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। ये भी एक्रेमी है, ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी वतन की मोहब्बत जाग उठे, जोलिया ने इमरान से कहा। बेफिक्र रहो, ये एक्रेमी नहीं, कारमन ने याद है, इमरान ने जवाब दिया और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसने फाटक खोला था। वो ट्राली धकेलता हुआ अंदर आया था। ट्राली पर जूस के गिलास रखे हुए थे, उसने एक एक गिलास सबके सामने रख दिया। बॉस ने कहा है कि जब आप उन्हें बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। उसे बुलाओ, उसे हमने जरूरी बात करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर खाली ट्राली धकेलता हुआ वापस चला गया। ये किसकी जगह है, जोलिया ने पूछा। हम इस वक्त करास्का के निवाह में हैं, हार्वे की रहायशगाह पर, हार्वे कारमन ने याद है, लेकिन तवील अरसे से यहां रह रहा है और समगलिंग का एक बहुत बड़ा मुंजिम सिंडिकेट चलाता है, खासतौर पर बैरी समगलिंग का, तो उसे किंग कहा जाता है, जराइम की दुनिया में काला शैतान के नाम से मशहूर है। मेरे इससे खासे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इमरान ने कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे हार्वे अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो हार्वे, इमरान ने कहा। तो हार्वे उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कुछ परेशान लग रहे हो, मसला क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, हार्वे ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारे पास आने का मकसद भी यही है कि तुम हमारी मदद करो, तुम्हारा मुआवजा जो तुम कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, इमरान ने कहा। देखो प्रिंस,
ये ठीक है कि मेरा ताल्लुक ऐसे तबके से है जो बगैर मुआवजा के किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन कम अज कम तुम्हें तो ये बात नहीं करना चाहिए थी। अगर तुम मुझे अपनी जान पर खेलकर समुद्र की खूनी लहरों से न बचाते तो अब से 2 साल पहले मैं मछलियों की खुराक बन चुका होता। मैं तो समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 सालों से मैं जो सांस ले रहा हूँ वो भी तुम्हारी वजह से ले रहा हूँ। फिर तुमने जिस तरह बेलौस अंदाज में मेरी मदद की थी उसने तुम्हारी अजमत मेरे दिल में वाज़े कर दी है। उसके अलावा आज तक तुमने मुझे अपने एहसान का कर्ज भी उतारने का मौका नहीं दिया। अगर आज मुझे उसका मौका मिल रहा है तो तुम मुआवजे की बात कर रहे हो, हार्वे ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये तुम्हारे आला जरफी है हार्वे, बहरहाल ये मामला इंतहाई संजीदा है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसने हार्वे को सारी तफसील बता दी और ये भी बता दिया कि वो जिस फार्मूले के लिए यहाँ आए थे वो फार्मूला एक माइक्रोफिल्म की सूरत में उसे मिल चुका है जो उसके पास है, और अब वो इस फिल्म को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहते हैं क्योंकि वो जानता है कि फिल्म गायब हो जाने के बाद डार्क हार्ट के तमाम सेक्शन उनकी तलाश पूरे क्रास्का में कर रहे होंगे। वैसे तो मेरे लिए ये इंतहाई मामूली सी बात है, लेकिन जैसा कि तुमने बताया है कि डार्क हार्ट तुम्हारे पीछे लगी हुई है तो फिर मुझे तुम्हें थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं कोई ऐसा फुल प्रूफ बंदोबस्त कर सकूं कि जिससे तुम फिल्म लेकर एकेडमिया से निकल जाओ और किसी को कानों कान खबर भी ना हो सके, हार्वे ने कहा। तुम कितना वक्त लोगे, इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन, हार्वे ने कहा। ठीक है, इमरान ने मुतमिन लहजे में कहा। और कोई खिदमत, हार्वे ने पूछा। मुझे फाइक्रो फिल्म प्रोजेक्शन मशीन ला दो, मैं सबसे पहले उस फिल्म को चेक करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं इस फिल्म को चेक किए बगैर लेकर पाकिस्तान चला जाऊँ और बाद में पता चले कि हार्टन ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे जानबूझकर ऐसी फिल्म दे दी थी जिसमें सिरे से ही कोई फार्मूला मौजूद ना था, इमरान ने कहा। ओह, क्या तुम्हें शक है कि फार्मूला फिल्म में ना होगा, जोलिया ने चौंक कर कहा। हार्टन की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने हमें असल फिल्म तक पहुंचाया है, लेकिन वो डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज है और दुनिया का चालाक तरीन इंसान समझा जाता है जिसे समझना इतना आसान नहीं, इसलिए मुमकिन है कि उसने झूठ बोला हो और आम सी फिल्म दे दी हो, इसलिए उसका चेक होना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। मैं मुलाजिम को भेजता हूँ, वो आपको कमरे भी दिखा देगा और आपको प्रोजेक्शन मशीन भी दे जाएगा, बाकी आप सब आराम करें और यहाँ हर लिहाज से मुतमईन रहें, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आएगा। मैं इंतजामात कर लूँ फिर आपसे मुलाकात होगी, हार्वे ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।